हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह 11 और मतलब मैंने कुछ नहीं किया, जिस बस में सो के उठी थी थोड़ी देर पहले, फिर दो के दूध लेके आई, मम्मी ने चाय बना के दी, बस मैंने चाय पी है और मैंने कुछ नहीं किया। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। तो बस हम लोगों का पहले मतलब मैंने मम्मी ने यही सोचा था कि मतलब 2 दिन की छुट्टी है, संडे की और मंडे की, तो हम लोग थोड़ा बहुत मतलब घर की सफाई कर लेंगे। ज़्यादा अगर नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट इस रूम की तो सफाई अच्छे से कर देंगे। बट पता नहीं क्या हुआ, कल भी मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं था। इवन मैंने और मम्मी ने कल ठीक से कुछ खाया भी नहीं, दोनों की बस तबीयत ऐसे ही हो रखी थी, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। और बस ऐसे लेटे हुए थे पूरा दिन, बस ऐसे लेटे रहे। फिर रात में हम लोगों ने खिचड़ी बनाई, सुबह हमने सिर्फ स्प्राउट्स बनाए थे और एक एक बस पराठा खाया, और पूरा दिन बस वही खा के हम लोग रह गए, तो कुछ किया नहीं। फिर मतलब रात में टाइम से हम लोग सो गए थे, और सोने के पता नहीं क्या हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है, और अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब लेटे रहे कुछ ना करें, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का बस मन ही नहीं कर रहा। सुबह से मतलब कल भी हमने ठीक से कुछ खाया नहीं था और आज भी कुछ खाया नहीं है ठीक से। अब देखो जब आवाज़ आ रही है ना मिक्सी की, आवाज़ आ रही है, मम्मी मिक्सी में वो मिर्च पीस रही है। मम्मी को थोड़ा बहुत मन किया सुबह, बोले कि मुझे ढोकला खाना है तो मेरे लिए ढोकला बना देना। पहले मैंने सोचा था कि मैं पूरे ढोकले का वीडियो शूट करूंगी, बट सच बता रही हूँ कुछ मन ही नहीं कर रहा है। 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है एकदम, ऐसे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जबकि फीवर भी कुछ नहीं है, ना कोल्ड हो रखा है, ना किसी को कफ हो रखा है, कुछ नहीं हो रखा है, तब भी पता नहीं कैसे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। शायद हो सकता है कि मौसम की वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि हवा भी ऐसी चल रही है, और आपको तो पता ही है अभी अक्टूबर मतलब अक्टूबर है ये, तो यूजुअली क्या होता है कि इस मंथ में तो मतलब दिवाली आ जाती है, दिवाली का पूरा मतलब मंथ है ये वाला, बट इस बार अधिक महीना था तो उस चक्कर में दिवाली अब नेक्स्ट मंथ है नवंबर के, वो भी 24 नवंबर को है शायद, 24 को है 26 को है, दोनों में से एक दिन है, तो उस टाइम पे दिवाली है। तो मतलब लगता है इस बार दिवाली पे तो ठंड मतलब ऑलमोस्ट आ जाएगी ठंड, बाकी ये पूरा महीना दिवाली वाला, तो दिवाली जैसे मौसम होता है मतलब लकसिक हवा चलती है उसमें ना, दिवाली में क्या होता है कि हवा भी चल रही होती है, गर्मी भी लग रही होती है, और पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, पंखा बंद कर दो तो गर्मी लगती है, और अगर कम करके चलाओ, एक या दो या तीन पे चलाओ, तो क्या होता है हाथ पैरों में दर्द होता है और गले में दर्द, फिर जुकाम वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और अभी भी ना वही सेम हमारे साथ में हो रखा है कि पंखा चला रहे हैं तो ठंड लग रही है, हाथ पैरों में इतना दर्द हो रखा है, बंद करते हैं उसको तो गर्मी लगना स्टार्ट हो जा रही है, तो बस वही सब हो रखा है। देखती हूँ आज कुछ अगर हो पाया, हिम्मत हुई मेरे से बनाने का, तो मैं पक्का आप लोगों से अपने ढोकले के जितना बचा हुआ मतलब पार्ट है ढोकले का, उतनी मैं आपके साथ में रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको पूरे ढोकले की रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं किसी दिन आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बता दूंगी कि ढोकला मैं कैसे बनाती हूँ, मतलब मेरा ढोकला ऑलमोस्ट अच्छा बनता है, ठीक बनता है, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखती हूँ अगर हिम्मत हो पाई तो आगे मैं ब्लॉग अपना कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो इसी ब्लॉग को क्या तो पोस्ट कर दूंगी, या फिर मैं कुछ अच्छा इसमें कंटेंट मेरे को मिलेगा 2-3 दिनों के बीच में, तो मैं वो उसमें ऐड करके वो आपको सभी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ढोकले का बैटर बना लिया है, और ये आपको थोड़ा फ्लफी इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाया था, थोड़ा सा इसमें मैंने इनो ऐड किया है, और उसको सिर्फ मैंने थोड़ा सा बस मिक्स कर लिया उसको, वो भी सिर्फ क्लॉक वाइज में उसको मैंने मिक्स किया है, मतलब आपको चम्मच को ना उल्टा नहीं फेरना, सिर्फ सीधा ही फेरना, वो भी थोड़ा सा आप मिक्स करना उसमें। और ये पैन है, इसमें थोड़ा सा बस मैं रिफाइंड जो ऑयल है वो उसमें साइड में थोड़ा सा हल्का हल्का लगा दूंगी, ताकि जब ये हम ढोकला बनाएंगे वो स्टीम होगा, ताकि वो उसमें पैन पे वो चिपके ना, तो उसे थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये इसमें मैंने थोड़ा सा बस तेल ऐड डाल दिया है, उसको मैं अच्छे से बस स्प्रेड कर लूँगी पूरे पैन पे। ये देखो मैंने सारा जो बैटर था ढोकले का वो उसमें मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसको इस पैन में जिसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा उस पानी डाल दिया था और उसके ऊपर ये छन्नी डाल दी थी, अब उसके ऊपर मैं ये रख दूँगी, और इसका ढक्कन लगा देंगे, इसको कवर कर देंगे अच्छे से, इसको मैंने इसे कवर कर दिया अच्छे से। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी ढोकला बनाओगे आप फ्लेम को हमेशा हाई पे ही रखना, लो फ्लेम पे मत रखना, क्योंकि वो पूरा जो ढोकला है आपका वो स्टीम से ही वो बन के तैयार होगा, तो फ्लेम इसमें ना हमेशा हम हाई ही रखेंगे, लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे उसको। तो वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में पकेगा ये, आई थिंक 10 मिनट इनफ होता है, 10 से 15 मिनट में बन जाता है ये आराम से। तो बस अब मैं 10 से 15 मिनट का वेट कर लूंगी, फिर जाके चेक कर लूंगी बार कि वो बन गया है या नहीं बना है।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ढोकला बनके मेरा तैयार हो गया है। ये निशान इसलिए है क्योंकि मैंने चक्कू से भी चेक कर लिया था कि ये ठीक से पका है या नहीं पका है। आप जैसे ये चक्कू से थोड़ा सा निकाल के बस ऐसे देख लोगे ना, अगर देखो इस साइड से नहीं चिपक रहा है, दैट मीन्स कि ये पूरा अच्छे से पक गया है। और इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, अब इसको मतलब ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा ऐसे ही ये, ठीक है। फिर इसको हम बाहर निकालेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। और इसने मैं इसका एक काम करती हूँ कि मैं पहले पानी बना लेती हूँ, आप पानी बोलते हो फिर छोंक बोलते हो, बस अब मैं वो बना लेती हूँ, इसका वो तैयार कर लेती हूँ। बस ये थोड़ा सा तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम राई डालते हैं, बट राई ना ख़त्म हो रखी है मुझे भी पता चला, अगर पहले पता तो मैं जाके ले आती नीचे से शॉप से, बट मैं अभी फिलहाल के लिए इसमें ये जो हरी मिर्ची और ये कड़ी पत्ता है सिर्फ वही छोंक में डाल दूंगी। थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी और डाल देती हूँ, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे, बस इतना सा भाई, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें सच बताऊं तो राई होती है ना इसमें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बट राई इतना ख़त्म हो गई है तो इसलिए। इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, ये कलर सब पता कैसे चेंज हो गया, ये चीनी मुझे ना बाद में डालनी थी और मैं भूल गई वीडियो बनाने के चक्कर में, और वो चीनी मैंने पहले डाल दी और नमक मैंने साथ में ही डाल दिया, वरना पहले पानी डालता है इसमें और फिर चीनी और फिर नमक डालती है। अब थोड़ा सा जब ये बॉईल हो जाएगा फिर इसमें मैं नींबू कुछ काट के उसका पूरा जूस डाल दूंगी, फिर थोड़ा सा उसको बस मिक्स करूंगी हल्का सा, फिर गैस को हम बंद कर देंगे। और ये देखिए मैंने ढोकला निकाल लिया है प्लेट में, अब बस इसके मैं चक्कू से पीसेस कर दूंगी आराम से, देखो अपना आप ही कट जा रहा है बेचारा। ये मैंने नींबू का जूस निकाल लिया है और वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अभी डाल दिया, मिला लेंगे। ये कितना कलर अजीब सा आ रहा है पानी का, इसको गैस मैंने बंद कर दी है, पानी मेरा बन के रेडी हो गया है, बस अब पानी ठंडा हो जाए थोड़ा ये, उसके बाद में हम इस ढोकले के ऊपर डाल देंगे, फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे, फिर जैसे ठंडा हो जाएगा ये अच्छे से ढोकला, फिर हम खाएंगे उसको। और ये फ्रेंड्स ढोकला बन के एकदम रेडी हो गया है, एकदम ठंडा भी हो गया अच्छे से और एक तो सॉफ्ट बना है, आपको भी मैं खा के बताती हूँ कैसे बनाइए। हाय फ्रेंड्स, तो मैं ढोकला खाने के बाद में सो गई थी क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कुछ काम करने की, तो इसलिए फिर मैं सो गई थी। एंड आई होप कि आपको मेरा छोटू सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो लोग ऑलरेडी मेरा वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वो भी इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड हाँ, अगर आपके पास में कुछ कंटेंट से रिलेटेड सजेशन है या फिर आपको लगता है कि मुझे अपनी इन्हीं वीडियोस में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि फिर मैं उन सब चीज़ों पे काम कर सकूं और आपके लिए अच्छे ब्लॉग लेके आ सकूं। और एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।